नहीं, उनके काम करने का तरीका अलग था। वो उन्होंने हमारी फिल्म की थी गुलाम, जो उसके बाद में बनी थी, वो इतना प्लेजेंट एक्सपीरियंस नहीं था हमारे लिए, क्योंकि मैं जैसे मैंने कहा कि जब आदमी अपनी महानता से बहुत अपनी ग्रेटनेस का बोझ उठाता है तो वो बोझ वो नहीं उठाता, बाकी उठाते हैं लोग, और वो इकोनॉमिकली बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, स्पेशली जिस किस्म की फिल्में हम बनाते हैं वो एक छोटे रीजनेबल बजट की फिल्म होती है, और वहाँ पर यू कैन स्ट्राइव फॉर एक्सेलेंस बट नॉट परफेक्शन। परफेक्शन एक बीमारी है, एक्सेलेंस जो है वो ईमानदारी और दिल से हम उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, उसके लिए हम एम कर सकते हैं, क्योंकि साइंटिफिक डॉक्यूमेंट या कोई साइंटिफिक लीगल डॉक्यूमेंट तो है नहीं, इसमें इंटरप्रिटेशन का ही खेल है। तो कहीं पर हमको लगा कि वी वर नॉट सीइंग आई टू आई, तो हमको लगा कि वी शुड नॉट कैरी ऑन दिस रिलेशनशिप। देखिए, उस वक्त नदीम श्रवण फुल फॉर्म में थे, और नदीम का मेरे साथ में एक ख़ास रिश्ता है, उसने आउट ऑफ वे जाके मेरी फिल्मों में हमेशा बेहतरीन संगीत दिया है। हाँ, उस फिल्म का म्यूज़िक जो है उसका सोल था, और स्क्रिप्ट के अलावा जो रॉबिन साहब ने लिखी थी, हमारे भाई साहब ने, म्यूज़िक वॉज द मेजर कंपोनेंट जिसकी वजह से फिल्म जो है इतनी बड़ी हिट हुई थी। घूंघट की आड़ में वॉज वन एक्सेप्शनल नंबर, वो हमको याद है जब फिल्म में वो गाना आता था तो बिल्कुल हॉल इरप्ट करता था। ताहिर साहब बेहद शरीफ इंसान, बहुत ही नेक इंसान, मतलब उन्होंने उफ नहीं किया फिल्म मेकिंग में, जैसे हम चाहते थे हमको वैसे फिल्म बनाने की आज़ादी दी, किसी किस्म की प्रेशर टैक्टिक्स, किसी की चालबाजी जो लोग अक्सर करते हैं उसका नामो निशान नहीं। मगर ये बहुत सही होगा कहना कि कहीं पर ये जिम्मेदारी फिल्म को अपनी मंजिल तक पहुंचाने की आमिर खान की थी। तो हालांकि इवन द फादर एंड सन वर नॉट सीइंग आई टू आई ऑन एवरी ओकेजन, मगर बहुत ग्रेसफुली उन्होंने फिल्म कंप्लीट की, और इट वाज वन ऑफ द मोस्ट प्लेजेंट एक्सपीरियंसेस फॉर मी।